नमक पारे बनाने के लिए हमने 2 कप मैदा ले ली है, 1/4 कप ऑयल लिया है, 1/2 टीस्पून सॉल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून अजवाइन लिए। अब किसी मिक्सिंग बाउल में हम सबसे पहले मैदा लेंगे, सॉल्ट लेंगे, अजवाइन लेंगे, ऑयल डालेंगे। अब इन सबको मिक्स होने तक मिक्स करेंगे, जब तक ये एक दूसरे में अच्छे से मिल नहीं जाते। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका टाइट डो बना लेंगे। पानी एकदम थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसका डो एकदम टाइट बने। ये देखिए डो बन के तैयार है। इतनी मैदा में 1/2 कप से थोड़ा सा कम पानी लगा है। अब हम इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे ताकि ये आटा सेट हो जाए। ये देखिए डो को रेस्ट करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेंगे। जितना बड़ा हमारा चक्का है उस हिसाब से हम इसकी लोई बना लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरीके से। डो की सारी लोई तैयार है। अब हम इसको बेल लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऑयल गर्म होने रख देंगे। ऑयल या घी जिसका भी यूज कर रहे हैं। ऑयल गर्म होने रख देंगे। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है हम मठरी को बेल लेंगे। इसको जितना पतला हो सके उतना पतला बेलें। ये देखिए यह नमक पारे का डो बेल के तैयार है। अब हम इसको किसी चाकू की हेल्प से पीसेस में कट कर लेंगे। पीसेस हम अपने हिसाब से छोटे या बड़े काट सकते हैं, जितने बड़े हम खाना पसंद करें। ये देखिए इस तरीके की नाइफ की हेल्प से हम इसको इस तरीके से कट कर लेंगे।
इस तरीके से हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए सारे नमक पारे मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं, ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, हमें ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए, अब हम इसमें मठरी डाल देंगे। ये देखिए सारे नमक मारे मैंने ऑयल में डाल दिए हैं, इसको लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। जितनी देर में ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम बाकी का डो बेलते हैं। तो इस तरीके से बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए इसमें हल्का सा गोल्डन कलर आने लगा है, बस इसको एक मिनट और पकाएंगे और फिर हम निकाल लेंगे। एक प्लेट में टिश्यू पेपर लगा लेंगे इस तरीके से और उसमें हम मठरी को निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स गर्मा गर्म नमक पारे बनके तैयार है, इसको चाय कॉफ़ी के साथ सर्व करें। मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।